सब्सक्राइब करें टेक्निकल झाजी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे MJO का ब्लेंडर कैरेक्टर मेकिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि MJO में जो यूज होते हैं फैन, वो फैन हम कैसे बनाते हैं और कैसे उसे रोटेट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं MJO के कार्टून मेकिंग कैरेक्टर बनाने की ट्यूटोरियल्स बहुत सारे दे चुका हूं, जो मेरे चैनल पे वाइडली अवेलेबल है। यहां डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक और यहां आई आइकन पे भी है, तो आप कहीं से भी क्लिक करके आप मेरे सारे ट्यूटोरियल्स को एक बार देख सकते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो आइए सीख लेते हैं कैसे फैन बना सकते हैं ब्लेंडर के अंदर MJO वालों की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्रीन कास्ट जो है की वो डिस्प्ले कर देंगे, ताकि जो मैं क्लिक करूंगा वो आपको दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसे हटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये हटा दिया, कैमरा हटा दिया। इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद व्यू चेंज करूंगा। अभी मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ, टॉप व्यू पे आ गया। टॉप व्यू पे आके उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट ए से मैश से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिल टाइप में एनगॉन सेलेक्ट करना है, तो कुछ ऐसा दिख जाएगा सर्कल। अब इसको थोड़ा सा एस करके बड़ा कर लेते हैं, इससे हमारा सर्कल ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ई दबा के इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लिए, गुड। अब इसको क्या करना है, ई और एस दबा के इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। फिर से ई एस दबा के थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर ई एस दबा के छोटा कर लेते हैं, जितना छोटा चाहिए और इसे हम ऊपर कर लेते हैं, फिर ई दबा के इसे सीधे ऊपर खींच लेते हैं स्ट्रेट। थोड़ा इसे और छोटा कर लेते हैं एस दबा के, और ई दबा के इसको खींच लेते हैं ऊपर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसको अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो आपको ऐसा जरूर दिखेगा, आपको पंखे का बिना पंख का दिख रहा होगा। अब इसको स्मूथ कर लेते हैं, स्मूथ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अच्छा भी लग रहा है ऐसे, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इसको हमें फिर से टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में चले गए, टॉप व्यू में जाके हम ना शिफ्ट ए और एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया प्लेन, ठीक है। इसको एक डायरेक्शन में बड़ा कर लेते हैं, चाहे वो एक्स एक्स में कर लेते हैं, ये मान लीजिए प्लेन हो गया, ठीक है। ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इतना ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट ले लेते हैं, एक कंट्रोल डी, सॉरी शिफ्ट डी, डुप्लीकेट ले लिए, इसको रोटेट कर देते हैं आर, इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक। इसको सेम उसी हिसाब से बराबर में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक। अब एक काम करते हैं, इनको इनको सेलेक्ट करके इसको हम मिड में डाल लेते हैं। करने के लिए आप जेट करके देख सकते हैं कि यह मिड में गया कि नहीं, चेक करने के लिए तो मिडिल में है, ठीक। ये मिडिल में हो गया, आप देख सकते हैं मिडिल में जा रहा है पूरा। अब इसको ये चार पंखा दिख रहा है आपको, आप चाहो तो तीन पंखा, मैं थोड़ा इजी वे में बताया हूँ, आप चाहो तो एक पंखा को हटा सकते हो या फिर आप सिंपल एक एक करके ले सकते हो। जैसे मैंने एक ही लेके दोनों तरफ कर दिया, उसके बदले आप क्या कर सकते हो, आप इसको मतलब जैसे कि अब तो मैंने ऐसे मिडल में डाल दिया है, तो जैसे कि आप इसको जैसे एक को इधर ले लिया, एक और इधर ले ली, एक और इधर ले ली, लेकिन मैं अभी चार पंखा पे काम करूंगा। हम क्या करते हैं, इन सबको कर देते हैं ज्वाइन, कंट्रोल जे, ठीक है। अब ये एक जैसा हो गया, ठीक, ओके। आपको अभी पूरा पंखा का फीलिंग दे रहा है, अगर इसको आप नचाना है तो नाचेगा भी सही से मस्त, ठीक है। हम फिर टॉप व्यू पे जाते हैं, टॉप व्यू पे आ गए,
पहले तो मैं इस पंक्ति को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? ओके ग्रेट, तो क्या है, एक और प्लेन सेलेक्ट करते हैं, प्लेन आ गया, प्लेन थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, प्लेन को बड़ा कीजिए, पूरा पूरा फैला दीजिए इसको, फैल गया, ठीक। अब हमारा फैन सेलेक्ट कीजिए, फैन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जितना ऊपर आप चाहो कर सकते हो। अब ये प्लेन सेलेक्ट कीजिए, एडिट मोड में जाइए, इनके एज सेलेक्ट कीजिए, ये तीनों एज सेलेक्ट कर लिया, ठीक। ये एज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ई करेंगे, ई करके इसे ऊपर कर लेंगे जेड डायरेक्शन में, ये हमारा तीनों एक साथ ऊपर हो गया, ठीक, ऊपर हो गए। अब क्या करेंगे, आप जब यहाँ पे F प्रेस करेंगे ना तो एज जुड़ जाएंगे, ऐसे देखिए। तो ये एक ऑप्शन है कि आप एक साथ सारे सिलेक्टेड एज को जोड़ सकते हो। तो देखिए एक घर जैसा बन गया जिसमें एक फैन है, और ये अब इसको एडजस्ट करना है इस फैन को। ये एडिट से बाहर आइए, इसमें जाइए, इसको चिपका दीजिए, इसको जितना आपको रखना है रखिए, देख लीजिए कैसे रखना है। मैं इसका इतना रखता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है, फैन की तरह ही लगे तो अच्छा है ना। अब क्या करेंगे हम इनमें सबकी ना अलग अलग ऑब्जेक्ट डाल देते हैं कलर। तो इसको फैन को एडिट करते हैं, एडिट करके तो सब फैन की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे फेस पे जाते हैं ये, और ये इनको आगे पीछे दोनों, ठीक है। इसकी एक कलर अलग से देनी है, देना होगा। ऑब्जेक्ट पे गए, पहले तो आपको एक नया तो ऐसे असाइन करना पड़ेगा मटेरियल, उसके बाद एक और मटेरियल लेना है, और इस मटेरियल में मैं दे देता हूँ कोई कलर, फैन का, पंखे का, पंखे का ये कलर कौन सा दूं मैं, कलर दे देता हूँ ये कलर दे देते हैं, ठीक, ये असाइन हो गया। तो अगर मैं इसको हटूं एडिट मोड से, तो आप देख सकते हैं इसकी कलर चेंज हो गई, नीचे नहीं दिख रहा कलर चेंज, उसके बाद मैं बाकी पार्ट का कलर चेंज नहीं करता हूं, अच्छा लग रहा व्हाइट में ही। ये लाइट पे आपको दिखेगा, अभी लाइट होगी तब, बाकी मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ इस पूरे कमरे की। इसको एक मटेरियल दे दिया, एक और है इसको दे दिया ये, तो ये हो गया। तो ये दो लाइट सोर्स भी मैंने डाल दिए हैं, चाहो तो आप एक कमरे में मतलब एक से ज्यादा अगर पंखे चाहिए आपको तो वो भी डाल सकते हो, उसको थोड़ा सा खिसका लोगे आप जैसे, उसके बाद शिफ्ट डी करके एक और लोगे और इसको आप यहाँ एडजस्ट कर दोगे तो आपके इस कमरे में दो पंखे हो गए, ठीक है। इस तरह से आपकी मर्जी है, जितनी पंखे चाहिए ना आप कर सकते हो, मैं फिलहाल एक ही काम करूंगा। अब क्या है कि मुझे इसको रोटेट कराना है, रोटेट कराने के लिए आपको अपना की फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं भी बताता हूँ। तो अपना पहले कैमरा ले लेते हैं, वो कैमरा व्यू में लेने के लिए इसको, ताकि पता चल सके क्या होता है। तो शिफ्ट ए करके आप शिफ्ट ए करके एक कैमरा ले लीजिए, ये कैमरा ले लिया, इस कैमरे को थोड़ा सा पीछे कीजिए, कहाँ गया ये रहा कैमरा, ये रहा, और इसको थोड़ा सा ये बहुत पीछे हो गया, थोड़ा बोला था मैंने, चलिए इसको सेट कर देते हैं थोड़ा और आगे करके। ये हो गया कैमरा जिसको हमें अभी सेट करना है। अब इसमें देखिए कैमरा व्यू में देखते हैं, कैमरा व्यू में कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो कैमरा व्यू में ऐसा दिख रहा है ये, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, कैमरा व्यू, बाकी सब कुछ ठीक है, तो बस थोड़ा सा पीछे करेंगे ताकि और चीजें दिख सके कैमरे पर। चलिए ठीक है,
मुझे ऐसा व्यू चाहिए ना कैमरे से, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कैमरे को थोड़ा नीचे कर देते हैं। कहाँ है कैमरा, ये ऊपर नहीं, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि इसकी व्यू वैसे ही आए जो मुझे चाहिए। रोटेट करते हैं इसको, अप कर देते हैं, अब देखते हैं कैमरा व्यू थोड़ा तो ठीक लग रहा है, लेकिन टेढ़ा हो गया कैमरा। तो कैमरे को सीधा करना है पहले, तो हमें कैमरा हमारा टेढ़ा हो गया। अब देखो जरा, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, अब सही है फिर भी ठीक है। अब वो क्या करना है, हमको यहाँ पे रोटेशन लाना है इसमें। तो रोटेट करवाने के लिए वो क्या करना है, आपको फैन को पहले सेलेक्ट करना है। फैन को सेलेक्ट करने के बाद इसको एकदम स्टार्ट पॉइंट पे डाल दीजिए फ्रेम, यहाँ पे इसे दबाइए, ये दबाने से उसके बाद यहाँ पे आप आई दबाइए, आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल को क्लिक कीजिए। उस पर इसको एकदम तब तक ले जाइए इसको जब तक कि आपका एनिमेशन चलेगा, तब तक इसको ले जाइए जब तक कि इसका एनिमेशन चलेगा। आप इससे भी इसको एंड पॉइंट तक ले जा सकते हैं। अभी ले जाने के बाद आप यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा लोकेशन रोटेशन, इस रोटेशन को आपको जेड डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। जेड डायरेक्शन में रोटेट होगा, इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए 5000 ठीक। ये होने के बाद आपका जेड डायरेक्शन में रोटेशन इसका हो गया, 5000 टाइम रोटेट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको स्टार्ट पे डाल दिया, अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रोटेट होना शुरू हो गया, ये पूरे एनिमेशन में ऐसे ही रोटेट होते रहेगा ठीक है। अगर इसको मैं F12 से रेंडर करता हूँ तो देखिए रेंडरिंग में आपको कुछ ऐसा आएगा ठीक है। रेंडरिंग में एनिमेशन बहुत टाइम लगता है, इसको आपको एक वीडियो छोटा सा कन्वर्ट करके आपको देखना पड़ेगा, तो एक बार ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको ठीक है। स्किप से हम रेंडरिंग से बाहर आ जाएंगे ठीक, बहुत इजी था, तो अच्छा लगा होगा आपको ये मतलब फैन बनाने का तरीका। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पहले से ही आप सब्सक्राइब नहीं है तो और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और बस कोई और भी चीज़ जानना है आपको, जानना है कि भाई कैसे कुछ और भी चीज़ बनाते हैं, बेल बेल में तो मुझे कमेंट कीजिए।